हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे अपने के साथ कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ है कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है कि इसमें आपको पहले से ही वैल्यू प्रदान कर दी जाती है, वो आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो उसके साथ कंस्ट्रक्टर का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो जिस प्रकार से एग्जांपल है, डिफॉल्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट, जिस प्रकार ऑटोमेटिक ले लेते हैं वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इसमें ले ली जाती है। जिस प्रकार आपको वेरिएबल दिया गया है यहाँ पे पॉइंटर ए, यहाँ ए का मान आपको नहीं दिया गया है और पॉइंटर में साथ में लिखा इंटीजर ए, इंटीजर ए और इंटीजर बी बराबर इसकी वैल्यू आपको दे दी जाती है 0। कितनी वैल्यू दे दी इसमें? बी बराबर आपको दे दिया यहाँ पर 0। तो यहाँ पे जो ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है डिफॉल्ट, वो होता है दाएं से बाएं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दाएं से बाएं लेता है, दाएं से बाएं लेता है। तो पहले दाएं इधर से, फिर इधर सेकंड वैल्यू इसको प्रदान की जाती है। जिस प्रकार यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू में 0 लिख रखा है, तो आपको उदाहरण दिया गया दूसरा कि पॉइंटर P5, पॉइंटर पी और इसका मान कितना दिया इसमें 5। पॉइंटर पी का मान आपको दिया गया 5 और आपके पास वेरिएबल है 2, ए और बी। तो अब देखो किस प्रकार से वैल्यू लेते हैं। तो ए को 5 वैल्यू प्रदान की जाएगी, ए को कितनी वैल्यू 5 वैल्यू, और बी को 0 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दे रखा पहले से इसमें। तो डिफॉल्ट 0 का, बी का मान 0 दे रखा, ए का मान इसमें कुछ नहीं दे रखा, ए की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी होती है। तो जैसे आप पॉइंटर पी का मान है 5 डालते हैं यहाँ पर, तो वो 5 है, इसका मान है वो ए को प्रदान कर दिया जाता है। और दूसरा उदाहरण आपका कि जैसे पॉइंटर इसमें आप पी में आप 7 और जो 11 डालते हैं, सॉरी पॉइंटर 7 और 11 इसमें दो दो वैल्यू डाली हैं। कितने डाले हैं? दो वैल्यू, एक डाली है 7 और एक है 11। और अपने पास दो ही वेरिएबल थे, इंटीजर ए था एक इंटीजर बी था। तो इसमें वैल्यू किस प्रकार से लेता है? ये डिफॉल्ट है ए को 7 वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है? ए को मान 7 प्रदान कर दिया जाता है, और बी को 11। जो ये दो मान थे अपने पास 7 और 11, तो ए को तो 7 दे दिया और बी को 11 दे दिया। क्यों दे दिया 11? क्योंकि आपने यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है पहले से, इसलिए 0 कोई मायने नहीं रखता। तो इसको 0 के स्थान पे आप इसमें 11 वैल्यू प्रदान कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ। वैल्यू प्रदान करना उसके बाद में आता है
ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब आता है ऑब्जेक्ट, जो भी आप वेरिएबल जो लेते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उनको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से होता है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इसके प्रारंभिक वैल्यू देना। प्रारंभिक वैल्यू देना, या इसको आप कह सकते हो कि मान प्रदान करना। जो भी मान है वो प्रदान किया जाता है वो उसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। और डायनेमिक का मतलब गतिशील, या इसको आप रन टाइम पर जो मान प्रदान करते हो वो आपको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसके जो रन टाइम पे जो मान प्रदान किया जाता है, डायनेमिक का मतलब गतिशील, और गतिशील से यहाँ पे क्या से होगा कि जब रन टाइम जो आपका जो प्रोग्राम है चल रहा होता है उस टाइम में वैल्यू प्रदान की जाती है। इसमें इसका फायदा यह रहता है कि डायनेमिक है, जब आप गतिशील या रन टाइम के अंतर्गत कोई भी मान प्रदान करते हो तो इसमें इनपुट कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। ओवरलोडिंग के द्वारा आप इसमें मान है वो प्रदान कर सकते हो, तो ये आपका कहलाता है कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इस प्रकार से आपको एक उदाहरण देके मैं बताता हूं कि एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से होता है। प्रोग्राम लिखा हुआ जैसे हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सी। सी लैंग्वेज में आपके यहाँ पे इंक्लूड stdio.h और conio.h रहते हैं, लेकिन इसमें C++ लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा, इसमें दूसरा आईओ स्ट्रीम नाम लिखा जाता है। आईओ स्ट्रीम का मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और C लैंग्वेज में आप क्या आते हैं stdio.h conio.h। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल, और इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद होती है। स्टूडियो मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसका होता है कौनसिल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसमें आपने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी उसके बाद में आता है आपका क्लास शेप। और यहां से कोष्टक शुरू हो जाता है, इसमें लिखा आपको फ्लोट। फ्लोट में क्यों लिया मान, फ्लोट दशमलव संख्याओं के लिए, इंटीजर भी ले सकते थे लेकिन आप इसमें लेंथ लिख रहे हो, लेंथ और ब्रीथ लंबाई और जो चौड़ाई है वो मान लिख रहे हो, तो उसके लिए क्या है आपको फ्लोट प्रकार का डाटा टाइप
लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दशमलव संख्याएं आ सकती हैं इसका रिजल्ट। दूसरा है फ्लोट, इसका रिजल्ट भी इसमें आएगा, रेडियस और फ्लोट एरिया, एरिया निकालना है आपको। तो एरिया किन किन चीजों का निकलेगा यहाँ पे? एक तो दे रही है लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए आप किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक आपको दे रही है इसमें रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या देने से आपको किस प्रकार का क्षेत्रफल निकल सकता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकल सकता है। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्लॉट एरिया निकालना है। एरिया आपको एक बार दे रखा है, लेकिन एरिया निकालना आपको दो बार है। क्यों क्यों निकालना है दो बार? एक बार तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, दूसरी तरफ आपको इसका रेडियस दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आर। तो अब देखते हैं इसके पब्लिक अनुभाग में। क्या निकालना है आपको? सेप, और सेप फ्लोट में निकालनी है आपको। आर फ्लोट है, आर दे रखा है यहाँ पे, जो रेडियस है वो निकालनी है यहाँ पर आपको। तो देखते हैं आगे। कोष्टक शुरू करते हुए आपको दे रखा है रेडियस बराबर आर और एरिया बराबर, आपको पता है रेडियस आर दे रखी है, इसका मतलब सर्किल वर्त है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में इसका मान लिखा जाता है जो 22/7 गुना आर गुना आर। तो इसमें 22/7 के मान को चेंज कर दिया आपने, 7 का भाग देते हैं तो इसमें आता है 3.14 इंटू आर रेडियस इंटू रेडियस। तो इसमें एक एरिया यहाँ निकल जाता है किसका? रेडियस निकाला आपने। दूसरा निकालोगे सेप फ्लोट बी, यहां डाला था ना आपने, सेप फ्लोट आर से निकालना है। दूसरा है आपका, यहाँ कोष्टक बंद हो जाता है, उसके बाद में सेप फ्लोट और फ्लोट एल और फ्लोट बी। एल और बी क्या है? लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। कोष्टक शुरू किया यहाँ पे और लिख देंगे लेंथ बराबर एल, और ब्रीथ बराबर बी। एल और बी दे दिया यहाँ पे, और अब एरिया, एरिया बराबर एरिया निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का होगा लेंथ इनटू ब्रीथ।
तो ये एरिया का आपका एरिया आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि इसमें जो मान है वो रन टाइम पर दिया जाएगा कि चलते हुए आप इसमें वैल्यू प्रदान कर सकते हैं और दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया निकाला गया है वो सर्किल के लिए निकाला गया है और यहाँ पे निकाला गया है वो एक आयत के लिए निकाला गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दोनों का आप निकाल सकते हैं और इसमें मान है वो रन टाइम पे प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर चल रहा है अभी, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरी क्लास से घोषित कर और इसको इनिशियलाइजेशन करता है उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। एक क्लास को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से एक क्लास को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से घोषित और इनिशियलाइजेशन किया जाता है। घोषित किया जाता है मतलब डिक्लेयर किया जाता है एक क्लास को उसी क्लास से दूसरे ऑब्जेक्ट एक क्लास है उसी में दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा आप उसको घोषित करेंगे या डिक्लेयर करेंगे या उसके इनिशियलाइजेशन करेंगे इसका मान प्रदान जो करेंगे उसे आप क्या कहोगे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और इसमें क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस आर्गुमेंट के रूप में वो ले लेता है। रेफरेंस मतलब उसका जो दूसरा जो मान या जो दूसरा वैल्यू आपने घोषित किया यहाँ पे उसका रेफरेंस है वो अपने आप ही ले लेता है। उसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम था निर्माण करना या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी क्लास का निर्माण करना, जबकि डिस्ट्रक्टर का काम है इसका जो उल्टा काम करेगा। डिस्ट्रक्टर उल्टा काम किस प्रकार से करता है कि जो इसमें आपने क्लास का निर्माण किया है उसको वापस हटाने में या इसकी जो जगह है वापस देने में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रक्टर ये भी एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है। क्या एक मेंबर फंक्शन है जो क्या काम करता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को खत्म करने का काम करता है।
क्या करता है? डिस्ट्रक्टर का मतलब बताया था आपको, नष्ट करना। तो ये काम करेगा कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को खत्म करता है या नष्ट करने का काम है करता है। इसकी विशेषताएं, कंस्ट्रक्टर की कौन कौन सी, ये डिस्ट्रक्टर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का भी यही था कि क्लास के नाम के जैसा ही होता है। इसमें भी यही कह रहे हैं कि इसका भी ये नाम है वो क्लास के नाम के जैसा ही होता है। ये आर्गुमेंट नहीं लेता है। ये आर्गुमेंट नहीं लेता है, नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। और वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और न ही कोई वैल्यू देता है। जब ये किसी प्रोग्राम या ब्लॉक से बाहर आ जाता है क्या करता है? जब ये किसी प्रोग्राम या फंक्शन से बाहर आता है तब यह कंपाइलर के द्वारा स्वतः ही कॉल हो जाता है। तो अपना कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्माण करना और डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को खत्म करना या उसको नष्ट करना। तो डिस्ट्रक्टर का मतलब हो गया खत्म करना। इसके बारे में आज इतने पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर मी।